तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास सैंसुई का इन्वर्टर एसी है और उस एसी में आउटडोर यूनिट के पीसीबी की रेड लाइट 18 टाइम ब्लिंक कर रही है या F97 एरर आ रहा है, तो आप इस एरर को कैसे ठीक कर सकते हैं, वो भी बहुत आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर सैंसुई एसी में आउटडोर यूनिट की पीसीबी 18 बार रेड लाइट ब्लिंक कर रही है या F97 एरर आ रहा है, तो यह एरर है आउटडोर यूनिट डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर ऑफ कंप्रेसर इज टू हाई। यह चार कारणों से आपके एसी में यह समस्या आ सकती है। पहला कारण हो सकता है कि आपके एसी में गैस लीकेज की समस्या है। अगर आपके एसी में गैस लीकेज है तो आप अपने एसी के लीकेज को ठीक करके गैस भर दे तो यह एरर ठीक हो जाएगा। और अगर आपके एसी में गैस है और फिर भी ये एरर आ रहा है, तो दूसरा कारण हो सकता है कि आउटडोर यूनिट का डिस्चार्ज टेम्परेचर सेंसर ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, तो आप सेंसर का रेजिस्टेंस चेक करें। अगर सेंसर ठंडा है और मीटर में 50 के दिख रहा है, तो आपका सेंसर ठीक है और रेजिस्टेंस 50 के नहीं दिख रहा है या कुछ शो नहीं हो रहा है, तो आपको सेंसर को बदलना होगा। और अगर रेजिस्टेंस ठीक है, तो तीसरा कारण हो सकता है कि आपके आउटडोर यूनिट की पीसीबी खराब हो गई है, तो आपको नई आउटडोर पीसीबी लगाना होगा। और आउटडोर यूनिट की पीसीबी बदलने के बाद भी यह दिक्कत आ रही है, तो चौथा कारण हो सकता है कि आपको इंडोर यूनिट और आउटडोर यूनिट की पीसीबी को बदलना होगा, उसके बाद यह एरर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आ गई हो, तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दें।